हेलो दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेथड साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी रियल स्टोरी के ऊपर जो आपका दिल दहला कर रख देगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की मानसिकता किस हद तक गिर सकती है, तो बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर कोई लड़की आपसे पब्लिक प्लेस पर बोले कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा और आपकी सोच किस हद तक जाएगी? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि इंसानों की मानसिकता किस हद तक जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सर्बिया के बेलग्रेड में पैदा हुई मरीना एब्रामोविक की। ये वही लड़की है जिसने हर इंसान के अंदर छुपे हुए हैवान को बाहर निकाला। उन्होंने सबको रूबरू कराया कि कैसे एक इंसान के अंदर एक शैतान भी छुपा हुआ होता है। अच्छे लोग और बुरे लोग ऐसा कुछ भी नहीं होता, निर्भर करता है कि आपके अंदर ईश्वरीय सोच है या फिर शैतानी। और कुछ ऐसे ही शैतानी लोगों के दर्शन मरीना एब्रामोविक ने अपनी परफॉर्मेंस में कराए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आपने भी कभी ऐसे हैवानों को कहीं देखा है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरीना जो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, उसे अपने परफॉर्मेंस के दौरान बस स्टेज पर बिना हिले डुले बिना भाव के बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहना होता था। दोस्तों, मरीना ही अपने परिवार की एक इकलौती संतान थी जिनको शायद कोई प्यार नहीं करता था। इतना ही नहीं, उनकी माताजी उनको बचपन में बहुत पीटा करती थी, वो भी बहुत बुरे तरीके से। और शायद इसके चलते ही मरीना के अंदर इस खतरनाक कला ने जन्म लिया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग हो और आपकी योग्यता को ना पहचाना जाए। मरीना ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी परफॉर्मेंस दी, मगर जिसने शायद पूरी दुनिया को हिला दिया वो परफॉर्मेंस थी सन 1974 की। दोस्तों, मरीना ने जब ये परफॉर्मेंस दी तब ना तो कोई स्टेज था और ना ही और कोई बंदोबस्त, बस इर्द गिर्द घूमते कुछ फोटोग्राफर्स और कुछ दरिंदे लोग। मरीना ने इस परफॉर्मेंस के दौरान अपने हाथ में कागज पकड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि आप 6 घंटे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो। और उसमें यहाँ तक लिखा था कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी ही होगी। और उसके सामने एक टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर चोट पहुँचाने वाली बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि चाकू, कैंची, कांटों से सने हुए गुलाब, कील, ब्लेड्स और भी बहुत सी चीजें। दोस्तों, अब हैवानियत की शुरुआत होती है शाम के 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। शुरुआत में तो लोग मरीना के आसपास घूमते रहे, उन्हें देखते रहे और उन्हें हिलाने का प्रयास करते रहे, मगर आपको तो पता ही है इंसानों की फितरत, मिलना चाहिए कोई कमजोर और बेबस इंसान, दुनिया आपको खुद पृथ्वी पर ही नर्क दिखा देगी। दरिंदगी की हद शुरू हुई। दोस्तों, पहले तो कुछ लड़कियों ने आकर उनको नीचे पटकना शुरू किया, फिर लोगों ने उन्हें बेड़ियों से बांधा और कुछ लोगों ने तो उन पर ठंडा पानी तक डाला। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर अश्लील बातें तक लिखी और फिर आया एक और दरिंदा जिसने उनके गले पर ब्लेड तक मार दी। और फिर तो ये सिलसिला जैसे चल ही पड़ा, लोगों ने उनके शरीर पर कांटों से सने हुए गुलाब तक चुभो दिए। और इतना ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर ब्लेडों से बहुत सारे कट्स भी लगा दिए और उन्हें हर एक वो पीड़ा दी जो वो दे सकते थे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका, फिर एक शख्स और आता है और उसने मरीना को पूरा निर्वस्त्र कर दिया और कांटों से भरे हुए फूल को उसके पूरे शरीर पर चुभो दिया। इन 6 घंटों में उन लोगों ने हर वो चीज करी जो एक शायद हैवान तक ना करे, और इन 6 घंटों में किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो भी एक इंसान है। लोग बस उसकी तस्वीरें खींचते रहे और उसको तकलीफ देते रहे। दोस्तों, जब ये परफॉर्मेंस खत्म हुई तो मरीना उसी हाल में हर वो इंसान के पास गई जिसने उसको पीड़ा दी थी और हर उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखती रही जिसने उसको पीड़ा दी थी, लेकिन कोई भी इंसान उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देख नहीं पाया। मरीना ने सबको अपने अंदर के हैवान के दर्शन कराए, जो अगर किसी को भी बेसहारा पाले तो उसके साथ क्या क्या करता है। कौन थे ये दरिंदे जिन्होंने 6 घंटे तक की एक लड़की के संग दरिंदगी की? दोस्तों, ये दरिंदे और कोई नहीं बल्कि हम में से ही कई लोग थे। ये वही लोग थे जो एक्सीडेंट हो जाने पर उसे बचाने की बजाय उसकी तस्वीरें खींचते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जो बेसहारा और गूंगे जानवरों को मारते और पीटते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी की बहन और बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो आज भी हमारे आसपास ही बसते हैं। दोस्तों, आज हमें यही शपथ लेनी चाहिए कि हम ना तो किसी बेबस को कभी परेशान करेंगे और ना ही उसको होने देंगे। तो उस लड़की की परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया कि इंसान की मानसिकता कहाँ तक गिर सकती है। तो दोस्तों, इंसान की साइकोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।